वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएमआरएस मुंबई के 22-24 बैच के प्लेसमेंट रिपोर्ट्स के बारे में। 2024 मुझे लगता है मैंने जितनी न्यूज़ ऑनलाइन पढ़ी है अबाउट प्लेसमेंट रिसेशन, टॉप कॉलेजेस रीचिंग टू देयर एलुमनाइज टू गेट देयर स्टूडेंट्स प्लेस्ड, आई मीन दैट वाज हेल इन नंबर्स। पर उसके बाद भी सारे कॉलेजेस इंक्लूडिंग टॉप कॉलेजेस आर लाइक क्लेमिंग अ वेरी गुड प्लेसमेंट। अब इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन स्टार वाले ऑप्शंस रहते हैं जो कि हमें नहीं पता होते हैं। तो हम जो भी कॉलेज शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, वेदर इट कम्स इन टीयर वन कैटेगरी और टीयर टू कैटेगरी, प्लीज हैव योर यू नो होमवर्क डन। आप प्रॉपर रिसर्च करो, राइट? आप क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्या आरओआई मिल रहा है, एंड देन यू शुड ऑप्ट आउट फॉर अ कॉलेज। सिंपल सी चीज़ है, अगर हम एनएमआरएस मुंबई की बात करें तो इट इज़ थ्रू एनमैट। वैसे तो एनमैट के थ्रू एनएमआरएस मुंबई के साथ उसका नवी मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर और इंदौर कैंपस भी एक्सेप्ट करता है, बट जो प्राइमरी स्टूडेंट एनमैट देते हैं दैट इज फॉर एनएमआरएस मुंबई। ऑल्सो कंपैरेटिवली टू कैट एंड जैट, एनएमआरएस जो है, एनमैट जो है वो ईजी होता है, जहाँ पे आपका मिनिमम स्कोर जो रिक्वायरमेंट होता है एनएमआरएस मुंबई के लिए दैट इज 235 प्लस पे ही आपको कॉल आता है। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो 240 प्लस था, बट हम अगर एक यू नो एवरेज स्कोर लेके चले दैट इज 235 प्लस। सो वी गोना टॉक अबाउट कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड लॉट मोर। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम बैक टू दिस एपिसोड, दिस इज मी आरशी एंड वी विल स्टार्ट दिस एपिसोड first of all gender diversity, but before starting about placement and everything, channel pe naye hain subscribe karna hai, bell notification icon dabana hai agar aap ek future mba aspirant hai, ya fir agar aap aise person hai jo already mba kar rahe hain, apni profile ko enhance karna chahte hain, so you have to subscribe to the channel. So yahan pe 71% students jo hain that is male and 29% of the students are female, so that is quite a disbalance when it comes to gender diversity, and I think ye ek majorly sare colleges ke sath hai. सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो पहले आपको एनमैट देना है, राइट? एंड देन जीडीपीआई होता है, जिसको सीडीपीआई यहाँ पे कर दिया गया है, नो नॉट अ प्रॉब्लम। बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 50%, बट मिनिमम 50% पे सिलेक्शन नहीं होता है। अगेन आई एम टेलिंग यू, बहुत सारी स्टूडेंट्स कॉल करते हैं कि यू नो कॉलेज की वेबसाइट पे तो लिखा है कि मिनिमम 60% रिक्वायर्ड है, मिनिमम 50% रिक्वायर्ड है, दैट्स जस्ट दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो काफ़ी अलग होता है, तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। Talking about MBA colleges, they look for everything, right? From your communication, your academics, your entrance score. So you need to prepare extra hard if you want to get into all these colleges. So that is one thing, कि आपके पास plus 2 साल का industry experience is desirable. It's not compulsory, it's desirable. Preference मिलती है. देन इसके बाद अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें तो एम बी ए का एवरेज पैकेज है क्लेमिंग टू गिव 25.3 लाख, और एच आर के लिए 18.64 लाख का एवरेज पैकेज ये क्लेम कर रहे हैं। अब मैं हमेशा ये कहती हूँ क्लेम कर रहे हैं, वेरिएशन हो सकते हैं, बिकॉज 2024 में तो आई फील लाइक यू नो सभी कॉलेजेस के एवरेज पैकेजेस में वेरिएशन है, एंड दैट्स सो ट्रू। सो दैट्स द एवरेज पैकेज। हाईएस्ट पैकेजेस की बात करें तो फाइनेंस में 31 लाख का था, जनरल मैनेजमेंट इंटरनेशनल 61.39 का था, मार्केटिंग 67.7 लाख का था, ऑपरेशन डेटा साइंस 31.38 का था, और एचआर 25 लाख का हाईएस्ट पैकेज था। टॉप रिक्रूटमेंट में अगर हम बात करें तो लॉट ऑफ कंपनीज वर देयर, बट वील बी स्पेसिफिकली आपको कई सारे बैंक दिख रहे हैं, आपको यू नो कैपजेमिनी दिख रही है, ईवाई दिख रही है, केएनएस दिख रहा है, कोटक दिख रहा है, तो मेजरली बैंक्स यू नो मुझे कंसल्टिंग में यहाँ पे ईवाई दिख रही है, इंडिगो हायर्ड, फाइनेंशियल सर्विसेज, आई मीन देयर मल्टीपल कंपनी। सो ये सारे टॉप रिक्रूटर्स हैं, और अगर हम बात करें एनमैट के कट ऑफ की तो 235 प्लस का स्कोर मिनिमम रिक्वायर्ड है आउट ऑफ 360। एप्लीकेशन डेडलाइन जो है दैट इज 21st of October। आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन 18th of October, तो यू स्टिल हैव 3 more days टू अप्लाई फॉर। सो अगर आप भी एस्पायर कर रहे हो टू गेट इट टू एनएमआरएस मुंबई, नवी मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, राइट? एंड जब तक ट्राई नहीं करोगे हाउ यूल बी एबल टू मेक इट टू ऑल दीज टॉप कॉलेजेस, बिकॉज स्टूडेंट्स सिर्फ कैट नहीं देता है, द राइट मल्टीपल एग्जामिनेशन, और एनमैट जो है वो मॉडरेट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन में आता है, जहाँ पे स्कोर करना कंपैरेटिवली कैट और जैट से ईजी है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड, डू लाइक, शेयर एंड फॉलो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।